हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास थर्ड। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर फर्स्ट, हम गढ़ते अपनी तकदीर। आज हम लोग अभ्यास कार्य को करते हैं, ठीक है। सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। फर्स्ट नंबर, कविता को कौन गा रहे हैं? युवक गा रहे हैं कि वृद्धजन गा रहे हैं कि बच्चे गा रहे हैं? कविता को बच्चे लोग गा रहे हैं। सेकंड नंबर देखिए, बच्चे अपने नन्हे हाथों से क्या गढ़ते हैं? तस्वीर गढ़ते हैं कि तकदीर गढ़ते हैं कि जंजीर? सही ऑप्शन इसमें रहेगा तकदीर। थर्ड नंबर देखिए, बच्चों की मुट्ठी में क्या बंद है? तस्वीर बंद है कि जीवन की तस्वीर बंद है कि तकदीर? सही ऑप्शन इसमें रहेगा तस्वीर। फोर्थ नंबर देखिए, बच्चे राष्ट्र को कैसा बना सकते हैं? नवीन बना सकते हैं, विचित्र बना सकते हैं कि विशाल बना सकते हैं? बच्चे राष्ट्र को नवीन बना सकते हैं, नया, नवीन मीन्स नया। ख नंबर देखिए, सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। फर्स्ट नंबर, बच्चे प्रस्तुत कविता को समूह गीत के रूप में गा रहे हैं, सही ऑप्शन है, ठीक है। सेकंड नंबर देखिए, बच्चे राष्ट्र पर निर्भर होना चाहते हैं, ये ऑप्शन गलत है। थर्ड नंबर देखिए, बच्चे स्वावलंबी बनने की बात करते हैं, ये ऑप्शन सही है। फोर्थ नंबर देखिए, बच्चे चाहते हैं कि उन पर किसी भी प्रकार का बंधन न थोपा जाए। फिफ्थ नंबर देखिए, बच्चे आशावादी हैं और कुछ नया करके दिखाना चाहते हैं, ठीक है, ये सही ऑप्शन है, ठीक है, यानी सही, फिर गलत, फिर सही, 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 ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, कविता की छूटी हुई पंक्तियाँ लिखिए। कविता आप याद कर लीजिए, ठीक है, पोयम जरूर याद होना चाहिए। फर्स्ट नंबर देखिए, राष्ट्र नवीन बना सकते हैं, मानव नया बना सकते हैं, हम न रुकेंगे सदा बढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए, तोड़ बंधनों की जंजीर, हम गढ़ते अपनी तकदीर, हम तुम सबको दिखला देंगे, हम तुम सबको बतला देंगे, नन्हे मुन्हे होकर भी हम कितने तन के मन के वीर, हम गढ़ते अपनी तकदीर। यानी किस प्रकार से हम अपने तकदीर को यानी किस्मत को बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, घ नंबर, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। गढ़ते, राष्ट्र, तस्वीर, तकदीर, अनुभव, जंजीर। फिर से देखिए, गढ़ते, राष्ट्र, तस्वीर, तकदीर, अनुभव, जंजीर, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये होमवर्क में भेज दिया गया है, देख लीजिए, ठीक है, इसको राइट करके होमवर्क में भेज दिया गया है, आप इसको सदैव कॉपी पे अवश्य कर लीजिए, ठीक है। देखिए, होमवर्क में आपको भेज दिया गया है, ठीक है, आप इसको राइट कर लेंगे कॉपी पे अच्छे से और फिर इसको लर्न भी करेंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है, प्रिपेयर्ड होना, ठीक है। इधर देखिए, इस पेज पे